बीजेपी से बगावत करने के बाद आज पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय रूप में डिंडवाना से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह पहला मौका होगा जब यूनुस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र भरा है। इससे पहले वो डिंडवाना विधानसभा से 4 बार के बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 2 बार उन्हें जीत भी मिली और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। नामांकन दाखिल करने के बाद यूनुस खान ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मैं नहीं बल्कि डिंडवाना की जनता खुद लड़ रही है। मैंने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। यूनुस खान ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होगा क्योंकि यह चुनाव भ्रष्टाचार, कुशासन, अनीति और अत्याचार के विरुद्ध होगा। सतत चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2023 डिंडवाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जिस तरीके का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद स्थानीय मतदाताओं का और विशेष रूप से कहूँगा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक डिंडवाना क्षेत्र के लोगों को आज मुझे मिला है, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसी लगन मुझे उत्साहित भी करती है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भूतो न भविष्य, भूत और भविष्य, भविष्य मैंने देखा नहीं। मैंने यहाँ से 4 चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े, उस समय भी लोगों में उत्साह था, लेकिन न जाने ये कौन से